हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं मशरूम कैप्सिकम फ्राई बना रही हूँ। मशरूम और कैप्सिकम की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनती है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है। मशरूम कैप्सिकम फ्राई गर्मा गर्म चपाती के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मशरूम कैप्सिकम फ्राई बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मशरूम कैप्सिकम फ्राई बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मशरूम लिए हैं। मशरूम को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। अब हम मशरूम को पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इसके पतले पतले स्लाइसेस जो हैं कट कर रही हूँ। इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में हमें मशरूम को कट कर लेना है। इसी तरह से बाकी बची हुई मशरूम को भी पीसेस में कट करके हम तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मशरूम को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। प्याज लिए हैं, प्याज को भी मैंने चॉप करके तैयार कर लिया है। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया है, लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिया है। और हरा धनिया को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च का पाउडर चाहिए। अब मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज को ऐड कर दूंगी और प्याज को मैं हल्का सा सौते कर लूंगी। प्याज हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च और चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और फ्रेंड्स, इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। लहसुन और प्याज जो है ये अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमने जो मशरूम को कटिंग करके रखा हुआ था वो मशरूम अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मशरूम को भी हम मसाले के साथ में अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी। मशरूम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मशरूम खाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। मशरूम और कैप्सिकम की सब्जी को आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हो। शिमला मिर्च जो है वो तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने उसे अभी नहीं डाला है। और जो मशरूम है इसको भी मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है, तो ये भी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मशरूम ने जो है पानी छोड़ दिया है। मशरूम का फ्लेवर जो है वो इस पानी में आ चुका है। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और मशरूम को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे ढक के हम 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने शिमला मिर्च डाली है वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और जो मशरूम है वो भी अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेंगे। शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है और मशरूम भी अच्छे से गल चुकी है। अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करके खाली 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि मशरूम और शिमला मिर्च जो है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाला जो है ये तेल छोड़ दे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी अच्छे से भून चुकी है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये झटपट से बनके तैयार हो जाती है फ्रेंड्स।
तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, और ये गर्मा गर्म चपाती के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।